दो साल बाद नए साल के जश्न के लिए तैयार मुंबई, 10,000 पुलिस जवानों की तैनाती, चलेगी स्पेशल ट्रेनिंग। नए साल के जश्न को देखते हुए पूरी मुंबई की सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। हर कोई नए साल के स्वागत के लिए तैयार है, कई ने तो खास प्लानिंग भी की है। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस और मुंबई ट्रैफिक पुलिस भी मुस्तैद है। इस बीच मरीन ड्राइव पर नरीमन पॉइंट से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग पर प्रिंसेस ट्रेड फ्लाई ओवर तक उत्तर की ओर जाने वाला यातायात बंद कर दिया गया है। नया साल मुंबई के जश्न की पृष्ठभूमि में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए हैं, इसलिए ट्रैफिक पुलिस आज शाम से पूरे मुंबई में 100 जगहों पर नाकेबंदी करेगी। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने समूची मुंबई में समुद्र तट के पास आसपास की गलियों में नो पार्किंग जोन बना दिया है। श्याम प्रसाद मुखर्जी चौक से गेट ऑफ इंडिया की ओर जाने वाली एक लेन की सड़क को ट्रैफिक पुलिस ने बंद कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह बीजेपी और आरएसएस के गुरु मानते हैं। कोरोना वायरस महामारी की वजह से दो साल तक नए साल का जश्न फीका पड़ने के बाद अब पूरा देश 2023 न्यू ईयर के लिए तैयार है। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद संक्रमण का खतरा जरूर है, लेकिन फिलहाल भारत में कोई सख्त पाबंदियां नहीं है। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, 2024 के आम चुनाव के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। कोरोना के नए वेरिएंट XBB.1.5 से अमेरिका की हालत खराब, भारत में भी मिला पहला केस गुजरात में। एक तरफ महिलाएं हो रही हैं विकृति का शिकार, दूसरी तरफ नंगापन दिखा रही हैं ये बाई, उर्फी जावेद पर भड़की चित्रावाद। आज 31 दिसंबर है और नए साल का जश्न मनाने वाली जो टीम है, जो लोग हैं, जो परिवार हैं, वो अपने अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ बाहर निकल चुके हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तस्वीरें देखिए, ट्रैफिक जाम में लोग फंस गए हैं, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोग निकले हुए हैं, लेकिन जगह जगह ट्रैफिक जाम है और पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। तो ध्यान रखिए, अगर ड्रिंक का ड्राइव करते हैं कोई भी, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस बड़ी फाइन मारने वाली है या फिर केस बनाने वाली है। तो ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल नहीं करें। तो आपको दिखा रहे तस्वीरें हैं रायगढ़ महाराष्ट्र की, जहां पर नया साल का जो जश्न है उसमें मनाने के लिए लोग निकले हैं। मुंबई से रायगढ़ अलीबाग की तरफ जाने वाले जो लोग हैं वो लंबे जाम में फंसे हुए हैं। नए साल में लोगों ने अपने घरों से दूर फार्म हाउस या फिर किसी जगह पे बीच पर पार्टी करने की प्लानिंग शुरू की है। इसके अलावा नए साल की पूर्व संध्या पर लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी पार्टी प्लानिंग की है, जिसके लिए लोग मुंबई से दूर जो है रायगढ़ या अलीबाग ऐसी जगहों पर जा रहे हैं या दूसरी जगहों पर भी जा रहे हैं, गुजरात की तरफ जा रहे हैं, मुंबई के अन्य इलाकों में जा रहे हैं, और वो लोग जाम में फंसे हुए हैं क्योंकि इस इलाके में सबसे ज़्यादा फार्म हाउस हैं, समुद्र के बीच का इलाका है, जिसकी वजह से आज सुबह से ही लोग अपने घरों को छोड़कर रायगढ़ की तरफ निकल पड़े हैं, जिसके कारण खालापुर टोल नाके पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों का लंबा जाम लग गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायगढ़ महाराष्ट्र जो पालघर और थाना के बाद आता है रायगढ़, वहां पर ये इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। लोग जश्न के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल पहले बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। फिलहाल आप अगर नए साल के जश्न में शामिल हो रहे हैं तो किसी होटल, घर या पार्टी में, जहां भी आप करते हैं वहीं रहिए। अगर आप ट्रैवल करेंगे और आप गाड़ी चलाएंगे और अगर आप ड्रंक हैं तो निश्चित तौर पर बड़ी फाइन लगने वाली। तो 2022 का आखिरी सूर्यास्त को देखने के लिए लोगों की भारी तादाद में भीड़ लग गई। 2022 का आखिरी सूर्यास्त को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई। एवं इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने के लिए भारी मात्रा में लोग इकट्ठे होकर अपने मोबाइल से वीडियो बनाए। आपको बता दें, यह 2022 का आखिरी सूर्यास्त है। देखिए तस्वीरें।